एक बार पुनः सबका स्वागत, वेलकम ऑल। आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। आज का जो सेशन है वो है ग्राउंडिंग एनर्जी। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ग्राउंडिंग एनर्जी क्या होती है, पर उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे और उसी से रिलेटेड हम मेडिटेशन भी करेंगे। हम जानते हैं, हम हमेशा हर पल हमें सर बोलते हैं, या हम जब भी अनइजी होते हैं तो हमें बार बार सब लोग बोलते हैं कि ग्राउंड कीजिए। अगर हमारी एनर्जी हाई होती है तो बोलते हैं एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, ग्राउंड कीजिए, ट्री को हग कीजिए। ये सब चीजें क्यों कहते हैं, किस लिए इम्पोर्टेंट है ये ग्राउंडिंग एनर्जी? सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्राउंडिंग एनर्जी है क्या। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज ग्राउंडिंग एनर्जी, आप क्या समझते हैं इससे? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ग्राउंडिंग एनर्जी से हम क्या समझते हैं? द एनर्जी ऑफ मदर अर्थ, राइट? द एनर्जी ऑफ फेमिनाइन एनर्जी, यस, मदर अर्थ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट, यस। तो ग्राउंडिंग एनर्जी को हम हमेशा मदर अर्थ से रिलेट करते हैं। एक्सेस एनर्जी जो हमारे बॉडी में है वो हम मदर अर्थ को ट्रांसफॉर्म करते हैं हर वक्त। तो जब भी हमारी एनर्जी राइज करती है तो हमारा ग्राउंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्राउंडिंग कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, राइट? सो उसी प्रकार से जो ग्राउंडिंग एनर्जी है उसका एक्चुअल तात्पर्य क्या है, वो फेमिनाइन एनर्जी से क्यों रिलेट करती है? क्योंकि हम जानते हैं कि मदर अर्थ सबसे पहले धरती पर, जब धरती बनी उस समय धरती माँ को हम माँ का नाम देते हैं, क्योंकि जो क्रिएशन होती है, जो क्रिएट करता है वो माँ होती है। तो जितनी भी फीमेल एनर्जीज हैं, हम सब भी माएं हैं, हम सब भी फीमेल्स हैं, हम सब के अंदर फीमेल तत्व है। वो फीमेल तत्व का तात्पर्य क्या है? क्रिएशन का, क्रिएट करने का। तो फीमेल एनर्जी की ये पावर है। तो फीमेल एनर्जीज में हम समझ सकते हैं कि क्या क्या पावर्स होती हैं। तो ग्राउंडिंग एनर्जी से जो रिलेट करना है हमको, आज यही रिलेट करना है हमको, जो सर ने हमको समझाया कि जो फेमिनाइन एनर्जी है आपकी, राइट, उसकी क्या क्वालिटीज हैं। जैसे एक फेमिनाइन एनर्जी, एक माँ की क्या क्वालिटीज होती हैं, वो सब क्वालिटीज उस मदर अर्थ में है, वो सब क्वालिटीज हम फेमिनाइन एनर्जीज में है। मतलब हम सब जानते हैं कि हम सब के भीतर एक फेमिनाइन एनर्जी है, राइट? और हम सब ये भी जानते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी यानी कि ग्राउंडिंग एनर्जी यानी कि कनेक्टेड टू रूट चक्र, ये हमारे रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र। तो कैसे एक औरत घर का आधार होती है, क्या उस औरत के बिना घर चल सकता है या घर बन सकता है? अगर किसी की फैमिली में कोई लेडी नहीं है, सिर्फ सपोज उनके हस्बैंड हैं, उनके उस फीमेल की बच्चे हैं, लेकिन फीमेल नहीं रही, तो वो घर कैसा चलता है? हम सोच के देख सकते हैं वो घर कैसे वर्क करेगा। उस घर में जान नहीं होती, उस घर में कंपैशन नहीं होता, मोनोटोनस सी लाइफ हो जाती है उस फैमिली की। तो उसी तरह से जो हमारा फेमिनाइन एनर्जी है यानी कि ग्राउंडिंग एनर्जी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि वो उसके अंदर वो जो पोटेंशियल है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो स्टेमिना है, ये सारी क्वालिटीज जो है ये एक मदर की है। एक कंपैशन है, ये स्टेबिलिटी है। एक माँ के अंदर जो क्वालिटीज होती है कि एक अपने बच्चे को कैसे सींचती है, वो एक क्रिएट, जब उसे पहले, सबसे पहले उसे क्रिएट करती है, चाहे वो प्लांट फॉर्म में हो। माँ ही खाना देती है, माँ ही परोसती है, माँ ही बनाती है। तो ये सारी ताकत ग्राउंडिंग एनर्जी में है, ये सारी ताकत मदर में है। आज हमें ये बात समझनी है, ये सेशन हमें इसलिए दिया गया कि हमें समझना है कि कहीं ना कहीं हम अपने भीतर की मस्कुलाइन एनर्जी को इतना हाई कर चुके हैं,
और अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को भूल चुके हैं। तो हमें अपनी फेमिनिन एनर्जी को समझना है और उसको एक्टिव करना है। तो हमें पहले खुद को, स्वयं को समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, यानी कि रूट चक्रा की क्या क्वालिटीज हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि मंगल दोष है, मार्स हमारा प्लैनेट सही नहीं है, तो वो दोषस क्यों आते हैं, उसकी वजह क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है। वो हमें माइथोलॉजी में ये चीज कहा गई है, इंडियन माइथोलॉजी में, कि जो मदर अर्थ है उनका जो सन था वो मंगल था, उनका जो बेटा था वो मंगल था, मार्स। तो अगर माँ को दुख होगा तो मार्स तकलीफ में होगा, क्योंकि हम एक बच्चे के लिए माँ ही सब कुछ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसी तरह से अगर माँ को दुख होगा तो बच्चे को तकलीफ होगी तो माँ को तकलीफ होगी, और माँ को तकलीफ होगी तो बच्चे को तकलीफ होगी, वैसा वर्षा। तो इसीलिए जो हमारा रूट चक्र है उसके अंदर मार्स प्लैनेट है, और माँ से ही रिलेटेड अबंडेंस है। अबंडेंस कैसे, मदर लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, वो भी एक फीमेल है। तो इसीलिए जो मैनिफेस्टेशंस है, इसीलिए जो अबंडेंस की एनर्जी है, इसीलिए जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स है, क्योंकि माँ को ही शौक होता है घर सजाने का। कभी आपने देखा है मर्दों को शौक हो ज्यादा, जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा एक्टिव होगी उसके अंदर ही वो क्वालिटी होगी कि घर को सजाना है, तो डिजायर्स जो क्रिएट करते हैं वो सब मदर्स के अंदर होता है। तो ये इनकी क्वालिटीज भी है, इनकी डिसक्वालिटीज भी है। डिसक्वालिटीज में हमें जानते हैं कि फियर है, क्योंकि माँ डरती है हर चीज में, तो हमको उनकी डिसक्वालिटीज पे नहीं जाना है, हमको उनकी क्वालिटीज पे जाना है। हमें वो चीज समझनी है कि माँ की क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो एक पोटेंशियल जो है, माँ के अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है, वो स्टेमिना है कि वो सब कुछ कर सकती है। जैसे कि दुर्गा माँ है, महालक्ष्मी है, जितने भी देवी के स्वरूप हैं, प्रकृति है, माँ पराशक्ति है, माँ पराशक्ति पूरे ब्रह्मांड, पूरे प्रकृति को चला रही है। उस प्रकृति में हमें फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, उसमें हमारी सारी डिजायर्स पूरी होती, चाहे माउंटेन्स हैं। ये माउंटेन्स भी कैसे खड़ा रहता है, देखो पहाड़ कैसे खड़ा रहता है, स्थिरता की तरह, स्टेबिलिटी की तरह, वो टूटता नहीं है। उसके ऊपर से पत्थर गिरते हैं, उसके ऊपर से पानी बहता है, झरने बहते हैं, तूफान आता है, कितना कुछ होता है, बट वो पहाड़ खड़ा रहता है। उसी तरह से हमारी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन माँ खड़ी रहती है। एक औरत, एक लेडी, एक फीमेल एनर्जी खड़ी रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो आज हमें उस माँ की एनर्जी को प्रणाम करना है, उस माँ की एनर्जी को एक्टिव करना है, और अपनी मस्कुलर एनर्जी को बैलेंस करना है, ताकि जो फेमिनिन एनर्जी हमारी डिग्रेड हो चुकी है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग वर्ल्ड है, मेल डोमिनेटिंग चल रही है आज की जनरेशन जो चल रही है पिछले कितने समय से। तो जो मेल डोमिनेटिंग है उसको हमें अब बैलेंस करना है, तो फीमेल को हमें ऊपर लेकर आना पड़ेगा, उसकी क्वालिटीज उसको रियलाइज करानी पड़ेगी। तो जब हम अपने भीतर जाएंगे तो वो क्वालिटीज को हम रियलाइज कर पाएंगे कि वो क्या क्या क्वालिटीज हैं। सो हम शुरू करते हैं मेडिटेशन की और बढ़ते हैं। तो आज की मेडिटेशन में हम यही करने वाले हैं, राइट? तो अपनी क्वालिटीज को, फेमिनाइन क्वालिटीज को, मदर की क्वालिटीज को हम एक्टिवेट करेंगे, एक फीमेल एनर्जी की स्ट्रेंथ को, स्टेमिना को, ठीक है? तो उसी तरह से जो रूट चक्रा है हमारा, रूट चक्रा को बैलेंस करेंगे हम इस पूरी मेडिटेशन में। हम आज रूट चक्रा को बैलेंस करने वाले हैं, राइट? तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, मिनी रिट्रीट आ रहा है इस वीकेंड, सैटरडे संडे मंडे, साइकिक करुणा और मनी अबंडेंस। तो जो लोग नहीं सीखे हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो शुरू कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं सौम्या को, मेहुल को या किसी भी टीम मेंबर को। चलिए हम एक मिनट में शुरू करते हैं, हम एक मिनट का ब्रेक लेते हैं।
चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम सभी आंखें बंद करेंगे। आज पूरा ध्यान अपनी टेल बोन पर, रूट चक्रा पर और अर्थ एलिमेंट पर। स्वयं से जुड़ जाइए। आवाहन कीजिए मां दुर्गा का, मां दुर्गा के उस स्वरूप का जो पूर्ण है। महसूस कीजिए उन्हें अपने सामने। आवाहन कीजिए अपने भीतर की फेमिनाइन एनर्जी का। आवाहन कीजिए मां पराशक्ति का। विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए माउंटेन्स को, माँ की सभी स्ट्रेंथ को विजुलाइज कीजिए, जितनी भी स्ट्रेंथ्स है माँ की। स्वयं को पहचानिए, उस स्ट्रेंथ को पहचानिए जो आपके भीतर है। माँ की क्या स्ट्रेंथ होती है, एक फीमेल की क्या स्ट्रेंथ होती है, उसे पहचानिए और उसका आवाहन कीजिए। मां की शक्ति, लॉर्ड गणेशा को आवाहन दीजिए। महालक्ष्मी को आवाहन दीजिए।
ध्यान दीजिए रूट चक्रा पर, हम इसे एक्टिवेट करेंगे लम से। रेड कलर का ये चक्रा, लोटस शेप का, फोर पेटल्स, लम 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 पूरा ध्यान रूट चक्रा पर ही रहेगा, धरती माँ पर ही रहेगा। आज आपके पैर, आपका रूट चक्रा, पूरी फिजिकल बॉडी पूरी तरह से कनेक्ट हो रही है मदर अर्थ के साथ। ये धरती की क्रिएशन, हमारी फिजिकल बॉडी, एक इनविजिबल कॉर्ड धरती माँ के साथ जुड़ती हुई हमारे पैरों में। हमें पूरी तरह से स्टेबल कर रही है। हमारे भीतर वो स्टेबिलिटी लेकर आ रही है। ये इनविजिबल कॉर्ड से, ये शक्ति धरती माँ से निकलती हुई ग्रीन कलर की, हीलिंग लाइट, आज हमें ये शक्ति दे रही है। हम अपने भीतर की उस फेमिनाइन एनर्जी की पोटेंशियल को पहचान सके, वो विजडम की आईज हमारे सभी सेंसेस में जा रही है। हमारी पूरी फिजिकल बॉडी, सेंसेस फेमिनाइन एनर्जीज हैं। इस फेमिनाइन एनर्जी को पहचानिए अपने भीतर। आपकी आंखें, आपके कान, आपका टच, आपका स्मेल, आपका फीलिंग, ये सब एक फेमिनाइन एनर्जी की क्वालिटीज हैं। इस स्ट्रेंथ को पहचानिए। अगर ये सब नहीं होता, ये सब डिस्टर्ब होता, और अगर ये सब डिस्टर्ब है तो हमारी फेमिनाइन एनर्जी से हम क्षमा मांगेंगे। अपने फाइव सेंसेस को पहचानिए, देखिए, महसूस कीजिए, सेल्फ रियलाइज कीजिए। धरती माँ की ये हीलिंग एनर्जी आपके पैरों से होती हुई आज आपके ये फाइव सेंसेस में जा रही है। अपनी आंखों में इसे महसूस कीजिए, उस फेमिनाइन एनर्जी को देखिए, वो प्यार की आंखों को देखिए, वो प्यार भरी आंखें जो अपने बच्चे को देखती हैं, फैमिली को देखती हैं, फैमिली को सपोर्ट करती हैं,
ये वो आंखें हैं जो विजन देती हैं आपको सब कुछ परखने की, जाने अनजाने में। गलत देखा, गलत पढ़ा, वो सब एक्सपीरियंस है उस पूरी एनर्जी के। विजन को ग्राउंड कीजिए, धरती माँ को दीजिए। माँ से क्षमा मांगते हुए महसूस कीजिए कि एक मैग्नेट के जैसे वो जो इनविजिबल कॉर्ड आपके साथ आपके पैरों में जुड़ी है वो पूरे शरीर में दौड़ रही है, और आपकी आंखों से मैग्नेट के जैसे उन सारे विजन्स को ले रही है जो कई जन्मों पुरानी है, पुरानी पुरानी बातें लेकर बैठी है, पुरानी पुरानी बातें, पुरानी पुरानी चीजें, विजन्स, पिक्चर्स, इमेजेस, आज वो सब ग्राउंड कर दीजिए। मैग्नेट के जैसे ये इनविजिबल कॉर्ड खींचते जा रही है आपके भीतर से, और वो ग्रीन एनर्जी जो माँ धरती से निकली है वो आपकी आंखों को सुकून दे रही है, हील कर रही है। जो लोग हीलिंग जानते हैं वो हीलिंग सिंबल्स डाल सकते हैं। आपके रूट चक्रा में जितना भी पास्ट मेमोरीज हैं, जो विजन बन के आपकी आंखों में है, वो सब आज मैग्नेट के जैसे खींचते जा रहा है, और वो सारे विजन्स ग्राउंड हो रहे हैं। महसूस कीजिए और स्वयं को इजाजत दीजिए रिलीज होने के लिए इस पूरे पास्ट से। से आपकी आंखों से वो सारी गंदगी निकलती हुई धरती माँ में ग्राउंड हो रही है, जिसे माँ बच्चे का सारा दुख हर लेती है, उसी प्रकार से आपकी आंखों से वो सारी बातें स्वयं ही हटती जा रही हैं। आपके कानों में ये वायर पहुंच रही है इनविजिबल, और आपके कानों में वो सारी बातें जो गूंज रही हैं, वो शोर, वो लड़ाई झगड़ा, जो जन्मों जन्मों की बातें हैं, शायद आज भी उस फेमिनाइन एनर्जी, उस मदर में हर्टफुल है, मदर को हर्टफुल है, वो सारी बातें जो एक माँ को बुरी लगती हैं, वो सब आज मैग्नेट के जैसे धरती माँ में वापस जा रही है, और आपके कानों में हीलिंग हो रही है। माफी मांगिए धरती माँ से, उस फेमिनाइन एनर्जी से जो आपके भीतर है। धरती माँ, वी आर सॉरी, प्लीज फॉरगिव अस। वी लव यू, वी थैंक यू। जाने अनजाने में हमने जो भी पकड़ा है जन्मों जन्मों का, आपको हर्ट किया है, आपको
परेशान किया है, आपको डोमिनेट किया है, आज मेरे भीतर की वो मस्कुलाइन एनर्जी आप अपने ही भीतर इस फेमिनाइन एनर्जी से माफी मांगती है। इग्नोरेंस में इस फिजिकल बॉडी को हार्म किया, टॉर्चर किया, अपनी इच्छा को आगे नहीं रखा, उसके लिए क्षमा मांगते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। देखिए जैसे ही आप फॉरगिवनेस करते जा रहे हैं, वो हीलिंग लाइट आपके कानों में बढ़ती जा रही है, आपकी आंखों में ठंडक देते जा रही है। धीरे धीरे आपके रूट चक्रा में जो फियर है, वो भी माँ धरती माँ की ही क्रिएशन है। वो जो लोग जिनसे हम डरते हैं, वो भी धरती माँ की ही क्रिएशन है। वो जो एनिमल्स हम डरते हैं, वो भी धरती माँ की ही क्रिएशन है। उन्हीं के द्वारा दिया हुआ ये शरीर, आज पूरी तरह से उस फियर को निकाल कर ग्राउंड कीजिए। धरती माँ से क्षमा मांगिए कि उनकी क्रिएशन पे, क्रिएशन को आपने हार्म किया, वो फियर की एनर्जी अपने अंदर एक्टिव की, आज उसे पूरी तरह से रिलीज कीजिए। वो गांठें, वो जो नॉट्स आपके भीतर लगी हैं, रिलीज कीजिए उन नॉट्स को, डर के नॉट्स को, जो कई जन्मों से शायद हम घेरे बैठी हैं। अब स्वयं से रियलाइज कीजिए, क्या ये धरती माँ की क्रिएशन नहीं है? क्या प्रकृति की क्रिएशन नहीं है? क्या ये फेमिनाइन एनर्जी नहीं है? किससे डर रहे हैं हम? इनविजिबल कॉर्ड आज वो आपके डर को पूरी तरह से निकाल रही है और आपको हील कर रही है। स्वयं से रियलाइज कीजिए और अपने भीतर की पोटेंशियल को एक्टिव कीजिए। अपने भीतर की पोटेंशियल को इस कदर एक्टिवेट कीजिए जिस प्रकार माउंटेन्स खड़े रहते हैं, पहाड़ खड़े रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उनके ऊपर से गुजरती है वो खड़े रहते हैं, उसी प्रकार आप भी बिना किसी डर के खड़े रहते हैं। आपके भीतर वो स्ट्रेंथ, वो स्टेमिना, वो स्टेबिलिटी, वो पोटेंशियल एक्टिवेट रहती है हर वक्त। स्वयं को उस माउंटेन के जैसे महसूस कीजिए। कितनी भी तकलीफें हो, मां बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने और 9 महीने के बाद भी सारी जिंदगी, सारी उम्र वो अपने बच्चों को देखती है, अपनी फैमिली को देखती है। उसी प्रकार से
अपने अंदर वो कंपैशन, वो पोटेंशियल वापस एक्टिवेट कीजिए। आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए हमेशा खड़े हैं। अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो हीलिंग लाइट माँ की आपके रूट चक्रा को पूरी तरह से स्ट्रेंथन कर रही है। आपकी फिजिकल बॉडी में वो स्ट्रेंथ दे रही है, आपको वो शक्ति दे रही है कि आप स्टेबल रह सके। सारी एक्सेस एनर्जी जो प्लस में है, लो एनर्जी जो माइनस में है, वो सब ग्राउंड हो रही है। आप 7.1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में है। आपका रूट चक्र पूरी तरह से अपने भीतर की वो अबंडेंस को एक्टिवेट कीजिए। महालक्ष्मी की वो शक्तियां अपने भीतर एक्टिवेट कीजिए। उनके आठों स्वरूपों को अपने रूट चक्र में एक्टिवेट कीजिए। महालक्ष्मी के आठों स्वरूपों को जो आपको आठों दिशाओं से स्ट्रेंथ दे रही है, अबंडेंस दे रही है। उस लक्ष्मी को प्यार कीजिए स्वयं के भीतर जो बस रही है, वो फेमिनाइन एनर्जी, वो यिंग एनर्जी। रिस्पेक्ट कीजिए उसकी। कहाँ कहाँ आप डिसग्रेसफुल रहे, कहाँ कहाँ आपने स्वयं को हर्ट किया, कहाँ कहाँ आप अपने आप को समझ नहीं पाए, वो सब सेल्फ रियलाइज कीजिए और उन्हें हील कीजिए इस ग्रीन लाइट से और इस सिल्वर कॉर्ड से। उस मैग्नेट के जैसे धरती में उसको जाने दीजिए, अपनी लो एनर्जी को स्वयं से रियलाइज कीजिए। कहाँ कहाँ आपने फूड को इग्नोर किया, खाने में गलतियां निकाली, खाने को धिक्कारा। ये सारी एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी है। कब कब आपने शरीर को धिक्कारा, अपने आप में नुक्स निकाले, अपने आप को हेट किया, अपनी स्किन को, अपने हेयर को, अपने दांतों को,
अपनी बॉडी को, ये सभी फेमिनाइन एनर्जीज हैं। खुद से सेल्फ रियलाइज कीजिए, और अपने भीतर उस सैटिस्फैक्शन को एक्टिवेट कीजिए। अपने भीतर की उस एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए जो लेट गो करने की पावर रखती है, माफ करने की पावर रखती है। ये हीलिंग एनर्जी आपके पैरों से होती हुई आपके रूट चक्रा में, आपके पूरे शरीर में आज आपको विजडम दे रही है। आपको लेट गो करने की पावर दे रही है। जो भी बाउंड्रीज आपने क्रिएट की मस्कुलाइन एनर्जी की डोमिनेशन में, अपने ही बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस में, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस में, वो सारी बाउंड्रीज को लेट गो करिए, रिलीज कीजिए, ग्राउंड कीजिए उस पूरे अग्रेशन को, वो एग्रेसिव नेचर को। और अपने भीतर के कंपैशन को पहचानिए, दिस इज योर डिवाइन बॉडी। जैसे हम डिवाइन सोल बोलते हैं शिवा, उसी तरह से ये मस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी को नमन करती है, इस डिवाइन बॉडी को नमन करती है। ये डिवाइन बॉडी टेम्पल है हमारा, ये प्रकृति जो हमारे भीतर है। यही हमारा संचालन करती है। इसे, इसके भीतर उन सभी उलझनों को आज रिलीज कर दीजिए, ग्राउंड कर दीजिए, स्वयं को ढीला छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, और इस हीलिंग एनर्जी को पूरी तरह से वेलकम कीजिए अपने अंदर। धरती माँ की उस उपज का वेलकम कीजिए, उस क्रिएशन का वेलकम कीजिए अपने अंदर जो विजडम की है, नव निर्माण की है, हर समय कुछ नया करने की है। उस मैनिफेस्टेशन को अपने भीतर एक्टिवेट कीजिए। जैसे लॉर्ड गणेशा
को हम सबसे पहले पूजते हैं। जब भी नया कुछ शुरू करते हैं उसी प्रकार से अपने भीतर लॉर्ड गणेशा का आवाहन कीजिए। अपने भीतर नव निर्माण कीजिए स्वयं की सोच को। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम गण गणपते नमः। हे विघ्नहर्ता, वी सरेंडर आवर सेल्फ टू यू। हम अपने आप को पूरी तरह से आपको सरेंडर करते हैं। अपने भीतर की सारी चीजों एक्सेस, जितने भी विघ्न हमने क्रिएट किए अपने ही शरीर में, धरती माँ पर, इस पराशक्ति पर, इस प्रकृति पर, आज उसकी हम क्षमा मांगते हैं। कई जन्मों से हमने जो तूफान मचाया है हमारी आत्मा ने, हमारे शरीर में बीमारियां, डिजीजेस इकट्ठी की हैं, जो हमारे शरीर को सफर करना पड़ रहा है, हमारे इमोशंस की वजह से, हमारे थॉट्स की वजह से, उसकी क्षमा मांगते हैं हम और आपसे नव निर्माण की आज्ञा चाहते हैं। ब्लेस अस, हील अस फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑफ अवर लाइफ। इस जन्म में या किसी भी जन्म में हम आगे जाएं, हम हमेशा धरती माँ के साथ, फेमिनिन एनर्जी के साथ जुड़े रहें, उन्हें नमन करते रहें। हम उस पूरी फेमिनिन एनर्जी का धन्यवाद करते हैं, उस ताकत का धन्यवाद करते हैं, माँ दुर्गा का धन्यवाद करते हैं, हमारे भीतर इस पूरी शक्ति को, मां दुर्गा की शक्ति को एक्टिवेट कीजिए। कि जब जिस रूप की आवश्यकता पड़े हम अपने आप पर काम कर सके, हम अपने आप को जागृत कर सके। बहुत सारी हीलिंग एनर्जी, हमारे शरीर में हेड टू टो ट्रैवल कर रही है, उन सारे ब्लॉक्स को निकाल रही है। महसूस कीजिए, हीलिंग सिंबल्स डालते जाइए। महसूस कीजिए अपने भीतर की फेमिनाइन एनर्जी को, ग्राउंडिंग एनर्जी को महसूस कीजिए कि आपका शरीर पूरी तरह से ग्राउंड हो चुका है, उस फेमिनाइन एनर्जी के साथ जुड़ चुका है। आप स्वयं की पावर्स को, स्वयं के सुपर जीन्स को देख पा रहे हैं। मां दुर्गा की सारी क्वालिटीज आपके भीतर एक्टिवेट हो रही हैं।
उन सभी स्वरूपों को अपने भीतर एक्सेप्ट कीजिए। मां के सभी स्वरूपों को एक्सेप्ट कीजिए। धन्य धान्य लक्ष्मी माँ गजलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी सभी अष्टलक्ष्मियां आपके भीतर से फ्लो हो रही हैं। वो अबंडेंस की एनर्जी पूरी धरती में फैल रही है, उन सभी लोगों में फैल रही है जो अपने आप को बांध के बैठे। माँ की विजडम पूरे भीतर फैल रही है। हर फीमेल के आगे आपका सर झुक रहा है, हर फेमिनाइन एनर्जी के आगे, वो चाहे मेल्स के भीतर है या फीमेल्स के भीतर है, सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। और इस हीलिंग एनर्जी की पावर आपके भीतर बढ़ती जा रही है। सभी पेड़ पौधों में ये हीलिंग एनर्जी जा रही है। पूरी प्रकृति में ये हीलिंग एनर्जी फैल रही है। आपके भीतर की प्रकृति, बाहर की प्रकृति सब हील हो रही है। धीरे धीरे वो सिल्वर कॉर्ड वापस मदर अर्थ में जा रही है। आपके भीतर हीलिंग लाइट पूरी तरह से आ चुकी है। मदर अर्थ को हील करते हुए, उनका शुक्रिया करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को धन्यवाद कीजिए, इस पूरी प्रकृति को धन्यवाद कीजिए, इस ग्राउंडिंग एनर्जी को धन्यवाद कीजिए। स्वयं के भीतर सभी ऑर्गन सेल्स उस पावर को धन्यवाद कीजिए। धरती माँ ही आपका बेस है, वो आपका घर है, वो आपका खाना है, वो आपका शेल्टर है, उन्हीं से सब है, उन्हीं की वजह से सब है, उन्हीं की वजह से ये लाइफ है। हमारी ग्रैटिट्यूड को स्वीकारिए माँ। थैंक
Thank you for your blessings. कुछ समय साइलेंस में सभी जीव जंतु का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाइए। ऑन द काउंट ऑफ 1, 2, 3 यू ऑल कैन मूव योर हेड, मूव योर फिंगर्स। 1, ब्रिंग बैक योर कॉन्शियसनेस। 2, move your fingers. 3, you can open your eyes.